नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिनी मडरिया, IVF स्पेशलिस्ट, आशीर्वाद हॉस्पिटल, इक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। आइए आज हम एक बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपका बार बार IVF फेलियर हुआ है तो आपकी असफलता को सफलता में कैसे बदलें? आपके साथ एक मैं दंपत्ति की उनका अनुभव भी शेयर करूंगी, जो कि दूसरी जगह पे उन्होंने IVF कराया था। 3 बार IVF फेलियर होने के बाद में हमारे पास आए थे और एज ए चैलेंज हमने उस केस को लिया था और यहाँ पे प्रथम प्रयास में ही उनको सफलता मिली और जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई और नाम भी उन्होंने रखा है प्राप्ति और प्रार्थना। आप उनका अनुभव सुनेंगे। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि अगर बार बार IVF फेलियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। IVF फेलियर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो IVF में हम करते क्या हैं, एग लेते हैं, स्पर्म लेते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करके फिर कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे कि वो इम्प्लांट होके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सके। तो बहुत सारी बातें रहती हैं जिसके कारण कि आपका IVF फेल हो सकता है। अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एग अगर आपका कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उस कंडीशन में बार बार IVF फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो किसी का AMH लेवल बहुत कम है और एग की क्वालिटी बहुत ही कमज़ोर है या एज बहुत ज़्यादा है और जैसे 35 प्लस के बाद में एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है और अगर बार बार IVF फेलियर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एक एग डोनेशन का ऑप्शन भी देते हैं। और अगर पेशेंट उसके लिए तैयार है और अगर एग के कारण बार बार उसको फेलियर के चांसेस हो रहे हैं तो उसको फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है स्पर्म फैक्टर। अगर स्पर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काउंट कई बार अच्छा रहता है लेकिन मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब रहती है या फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल भी बहुत ख़राब रहता है, उसमें भी रिपीटेड IVF फेलियर या रिपीटेड मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर बहुत बार IVF फेलियर हो रहा है और स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो या तो कुछ मतलब जो सर्जिकल मेथड है उससे हम अच्छे स्पर्म निकाल के वो कर सकते हैं या फिर अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं तो उस कंडीशन में भी हम स्पर्म डोनेशन का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं। तीसरा जो कारण हो सकता है, आपका जो गर्भाशय है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम है, जैसे कि अंदर की जो लाइनिंग रहती है यूट्रस की वो बहुत अच्छी नहीं बनती है, कई बार बहुत थीन रहती है, कई बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं यूट्रस में, एंडोमेट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम पहले पेशेंट का हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसका बायोप्सी भी करते हैं और उसमें जो भी कारण मिलता है उसके बाद में हम अच्छे से एंडोमेट्रियम प्रिपेयर करके अगर आपका एम्ब्रियो